एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है एंड उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये सारे क्वेश्चन सच में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर आंसर। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1। Why is the 6th century BC often regarded as a major turning point in the early Indian history? Explain. So 6th century BC को हमारे early Indian history में एक major turning point क्यों माना जाता है? So ये बहुत ही important question है। So the answer is, so 6th century BC को हमारे early Indian history में एक important turning point या फिर major turning point इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस time period के दौरान हमारे Indian subcontinent में काफ़ी सारे important political, social and cultural changes occurred हुए थे। जैसे कि पहला पॉइंट है, सो ये जो पूरा टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी BC का, सो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ शुरुआत के सिटीज़ एंड स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था, उसका ग्रोथ हुआ था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आयरन का जो यूज़ था उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड के दौरान कॉइनेज का डेवलपमेंट हो रहा था, कॉइन्स डेवलप हो रहे थे। एंड अगर हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इस टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग रिलीजन का भी ग्रोथ हो रहा था, इमर्जेंस हो रहा था, जैसे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान वो था इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद। सो 6th सेंचुरी BC के बाद से ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद का इमर्जेंस होता है। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही 6th सेंचुरी BC को हमारे अर्ली इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा है, देन प्लीज़ वॉच माई डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी बनाया है। सो अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना है या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, सो प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली एंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महाजनपद। सो महाजनपद क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। सो पहला पॉइंट ये है कि बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था एंड उन्हीं सारे 16 स्टेट्स को महाजनपद कहा जाता था। सो इन 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे कि वज्जी, मगध, कौशाला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। सो ये 7 महाजनपद 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करते थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे उनको किंग्स के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा ही रूल किया जाता था, बट कुछ कुछ ऐसे भी महाजनपद होते थे जिसको संगाज या फिर गनाज कहा जाता था, जिसमें हमें ओलिगार्की देखने को मिलता है। ओलिगार्की यानी कि जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रूलर रूल नहीं करता है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर बहुत सारे जो मैन होते हैं वो मिलकर रूल करते हैं एंड कलेक्टिवली उन सारे ही लोगों को राजास कहा जाता है। सो ज़्यादातर महाजनपद में एक ही पर्टिकुलर जो रूलर होते थे, जो किंग होते थे, वो रूल करते थे, बट कुछ कुछ ऐसे भी महाजनपद होते थे जिनको गनाज या फिर संगाज कहा जाता था, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रूल किया करते थे जिनको एक साथ राजास कहा जाता था। सो हर एक महाजनपद का एक कैपिटल सिटी भी होता था जो कि फोर्टिफाइड होता था, यानी कि चारों ही तरफ से वो बाउंड्रीज से घेरा हुआ होता था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एग्जामिन द स्टेटमेंट। सो यही सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट एक्सप्लेन हाउ मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी BC। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 16 महाजनपद थे, सो 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद के रूप में डेवलप करता है। सो क्या वो रीजंस थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से मगध महाजनपद का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एंड मगध महाजनपद इतना ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बन जाता है? सो द आंसर इज, सो 6th से लेकर 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान मगध महाजनपद जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, सो वो बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से मगध
महाजनपद का इतना ज्यादा ग्रोथ होता है? सो पहला रीजन है कि मगध महाजनपद एक ऐसे रीजन में लोकेटेड है जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना। दूसरा रीजन ये है कि मगध महाजनपद जिस रीजन में, जिस एरिया में लोकेटेड है, सो वहाँ पे हमें आयरन माइंस देखने को मिलते हैं, यानी कि लोहे की खदान देखने को मिलते हैं। सो आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो मगध महाजनपद था वो एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद के रूप में ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ना जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन है, सो एलिफेंट जो होते हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है आर्मी। सो पहले के टाइम पीरियड के दौरान एलिफेंट का भी इस्तेमाल किया जाता था, जब भी वार वगैरह राजा महाराजा लड़ते थे। सो अगेन मगध महाजनपद जिस एरिया में, जिस रीजन में लोकेटेड था, सो उस रीजन के फॉरेस्ट में एलिफेंट्स भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल थे। सो ये भी एक कारण था मगध महाजनपद के ग्रोथ का। ना फोर्थ रीजन ये है कि जो रिवर गंगा है एंड रिवर गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, सो वो भी मगध महाजनपद में ही फ्लो करता है। सो रिवर गंगा एक बहुत ही चीप, एक बहुत ही सस्ता एंड एक बहुत ही इजी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है फॉर द ग्रोथ ऑफ मगध महाजनपद। एंड नाउ जो लास्ट रीजन है वो है मगध महाजनपद को रूल करने वाले एम्बिशियस किंग। सो मगध महाजनपद को अलग अलग डायनेस्टीज के रूलर्स रूल करते हैं, जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंदा। सो इन सारे एम्बिशियस किंग्स या फिर रूलर्स के जो पॉलिसीज थे एंड इनके जो मिनिस्टर्स थे जो कि उनके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते थे, सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मगध महाजनपद का इतना ज्यादा ग्रोथ होता है एंड मगध महाजनपद एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन जाता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट मौर्यन पीरियड। सो अगेन इस क्वेश्चन को भी कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन। सो मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हिस्टोरियंस के द्वारा बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? सो हिस्टोरियंस के पास ऐसे वैरायटी ऑफ सोर्सेज है जिसके थ्रू वो मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इंक्लूड करता है स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंडिका। सो मेगास्थनीस जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे जिनका नाम था मेगास्थनीस। सो मेगास्थनीस के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिस बुक का नाम है इंडिका। सो इंडिका में उन्होंने मौर्यन रूलर्स के बारे में लिखा है, मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान जो सोशल कंडीशन था, सो इन सारी चीजों को उन्होंने इंडिका में डिस्क्राइब किया है। सो इंडिका को पढ़ के हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ना जो थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्या के द्वारा, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, सो उनके द्वारा कंपोज किया गया था एंड ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि कौटिल्या चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हुआ करते थे। सो अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है अदर लिटरेचर्स। सो इंडिका एंड अर्थशास्त्र के अलावा और भी कई सारे लिटरेचर्स है, जैसे कि लेटर बुद्धिस्ट जैना एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत लिटरेचर। सो इन सारे लिटरेचर्स, इन सारे टेक्स्ट से भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड नाउ जो फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है अशोकास इंस्क्रिप्शन। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि हमें रॉक्स एंड पिलर्स में मिलता है, सो वो एक बहुत ही वैल्यूएबल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। सो ये पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिसके द्वारा हिस्टोरियंस मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्मा। सो इस क्वेश्चन में हमें अशोक के धम्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। सो अशोका हमारे अर्ली इंडिया के एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे एंड अशोका ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाया था ऑन स्टोन सर्फेसिस, यानी कि बड़े बड़े स्टोन की सर्फेसिस में उन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाया था, यानी कि लिखवाया था। एंड अशोका जनरली नेचुरल रॉक्स में या फिर पॉलिश पिलर्स में ही अपने मैसेज को इनग्रेट करवाते थे ताकि उनका जो मैसेज है वो उनके सब्जेक्ट्स तक और उनके ऑफिशियल्स तक पहुंच सके। सो अशोका खासकर इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल धम्म के प्रिंसिपल को स्प्रेड करने के लिए ही करते थे। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्म आर, सो पहला पॉइंट है कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि हमें ब्राह्मण्स की और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, जो सन्यासी लोग होते हैं, सो उनके प्रति हमारे मन में दया होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमें स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें अपने रिलीजन और अपने ट्रेडिशन के साथ साथ दूसरे लोगों के रिलीजन एंड उनके ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अशोका अपने
एम्पायर को एक साथ जोड़े रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए धम्मा के प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करते थे। वो धम्मा को प्रोपोगेट करते थे, यानी कि उसको स्प्रेड करते थे, ताकि उनका जो एम्पायर है वो यूनाइट होकर रह सके। सो उनके जो प्रिंसिपल होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते थे। यानी कि उनके जो ये सारे प्रिंसिपल है वो हर एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। हर एक व्यक्ति इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। एंड साथ ही साथ अशोका के द्वारा कुछ स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया गया था, जिनको धम्मा महामत्ता कहा जाता है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमें इस क्वेश्चन में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन फीचर्स होता था उसको एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आर। सो पहला फीचर ये है कि पूरे ही एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे। सो पहला जो मेजर पॉलिटिकल सेंटर था वो था मौर्यन एम्पायर का कैपिटल सिटी, दैट इज पाटलिपुत्र। एंड इसके अलावा मौर्यन एम्पायर में जो दूसरे प्रोविंशियल सेंटर थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, तोशली एंड सुवर्णगिरी, सो ये सारे भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। नाउ नेक्स्ट फीचर ये है कि पूरे मौर्यन एम्पायर में हमें जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सो हर एक इंस्क्रिप्शन सेम मैसेज को ही कन्वे करता है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि पूरी मौर्यन एम्पायर में एक ही तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता था, फॉलो किया जाता था। बट अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, सो कुछ ऐसे हिस्टोरियंस होते थे जो कि इस बात के ऊपर एग्री नहीं करते थे। उनका मानना ये होता था कि मौर्यन एम्पायर में जो दूर के रीजन होते थे, सो हो सकता है कि दूर के रीजन में कोई डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे, बट उन सारे रूलर्स का एंड मगध के जो रूलर होते थे, सो उनका एक अच्छा रिलेशन होता था, इसी वजह से उनके एरिया में भी हमें सेम इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, सो फोर्थ पॉइंट में हमें यह बता रखा है कि मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल सिटी होता था, सो वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा ही स्ट्रांग देखने को मिलता है एंड वो सेंटर होता था पावर का। यानी कि मौर्यन एम्पायर का जो भी रूलर होता था वो कैपिटल सिटी में ही रहता था एंड वहीं से वो पूरी एम्पायर को एडमिनिस्टर किया करते थे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि तक्षशिला एंड उज्जैन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर में एंड सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, सो वहाँ पे हमें गोल्ड के माइंस देखने को मिलते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट ये है कि पूरे ही मौर्यन एम्पायर में जो कम्युनिकेशन होता था, सो वो लैंड एंड रिवर रूट दोनों ही रूट्स के द्वारा किया जाता था एंड जो भी ट्रैवलर्स होते थे उनको बहुत ही प्रॉपर प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता था। जनरली जो आर्मी होते थे वही ट्रेडर्स को या फिर ट्रैवलर्स को प्रोटेक्शन दिया करते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते थे। सो मेगास्थनीस के अकाउंट से हमें ये पता चला है कि मौर्यन एम्पायर में जो आर्मी था, सो उसको एक कमिटी के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था एंड वो जो कमिटी था उसमें भी 6 सब कमिटीज थे जो कि अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान रखते थे। सो पहला जो था वो था नेवी, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन, तीसरा था फुट सोल्जर्स, उसके बाद हॉर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अशोक के द्वारा स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, जिनको धम्मा महामत्तास कहा जाता है, जो कि धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करते थे। सो धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करके भी अशोका अपने एम्पायर को यूनाइट रखने की कोशिश करते थे, अपने एम्पायर को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते थे। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th century BC। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द ट्रेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द 6th century BC। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड के बारे में बताना है, ट्रेड के फीचर्स के बारे में बताना है। सो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ट्रेड रूट। सो 6th century BC के बाद से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें कई सारे लैंड रूट्स एंड रिवर रूट्स देखने को मिलते हैं फॉर ट्रेड, यानी कि ट्रेड के पर्पज से। एंड ये जो रूट्स थे, ये जो रास्ते थे, वो हमें अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। सो अगर हम लोग ओवरलैंड यानी कि लैंड रूट्स की बात करें, सो सेंट्रल एशिया तक एंड इवन सेंट्रल एशिया के बियॉन्ड तक लैंड रूट्स फैला हुआ था। एंड अगर हम लोग ओवरसीज यानी कि रिवर रूट्स की बात करें, सी रूट्स की बात करें, सो वेस्टर्न डायरेक्शन में अरेबियन सी से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक हमें सी रूट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम लोग ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करें, सो बे ऑफ बंगाल से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तक हमें सी रूट्स देखने को मिलता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हुआ करते थे 6th century BC के टाइम पीरियड के दौरान। ना जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्रोटेक्शन। सो जनरली रूलर्स जो होते थे वो ट्रेडर्स से पैसा लेते थे टैक्स के रूप में एंड उसके बदले में वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे जब भी ट्रेडर्स या फिर ट्रेवलर्स इन सारे सी रूट्स या फिर लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे। सो इसी वजह से रूलर्स कहीं ना कहीं उन सारे इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स या फिर सी रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे क्योंकि उसके थ्रू उन्हें रेवेन्यू मिलता था। ना तीसरा है डिफरेंट ट्रेडर्स, यानी कि अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग ट्रैवलर्स इन सारे सी एंड लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के पर्पज से। जैसे कि पैडलर्स जो कि ऑन फुट यानी कि पैदल ही ट्रैवल किया करते थे, इसके अलावा मर्चेंट्स जो कि अपने बुलक कार्ट्स या फिर पैक एनिमल्स के साथ ट्रैवल करते थे। साथ ही साथ सी फायरर्स भी सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए एंड उनका जो जर्नी होता था वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता था बट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी
भी होता था एंड जितने भी सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट थे जिसका इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता था। सो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि सॉल्ट, क्लोथ, ग्रेन्स, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा टिम्बर, स्टोन एंड मेडिसिनल प्लांट्स। सो इन सारी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट करवाया जाता था। सो रोमन एम्पायर में स्पाइसेस जैसे कि पीपल एंड इसके अलावा क्लोथ एंड मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। सो इन सारे ही गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस द अरेबियन सी, अरेबियन सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में और फिर रोमन एम्पायर में इसको पहुँचाया जाता था। सो इस तरीके से 6th सेंचुरी टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कॉइनेज फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टिल 6th सेंचुरी CE। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉइन्स इन सर्कुलेशन इन द 6th सेंचुरी BCE। सो इस क्वेश्चन में हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी BCE के बाद जो कॉइनेज का डेवलपमेंट होता है, सो उन सारे कॉइनेज के ही फीचर्स के बारे में बताना है। सो द आंसर इज, सो 6th सेंचुरी BCE के बाद से जैसे ही कॉइनेज का इंट्रोडक्शन होता है, सो इसकी वजह से जो एक्सचेंजेस होते थे सो बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो गए, ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो गया। सो पहला जो इम्पॉर्टेंट कॉइन है वो है पंच मार्क कॉइन्स। सो पंच मार्क कॉइन्स जनरली सिल्वर या फिर कॉपर से बनाए जाते थे एंड पंच मार्क कॉइन पहले कॉइन थे जिसको मिंट किया गया था एंड जिसका इस्तेमाल किया गया था। ना दूसरा कॉइन है इंडो ग्रीक कॉइन्स। सो इंडो ग्रीक कॉइन्स ऐसे पहले कॉइन थे जिन सारे कॉइन्स के ऊपर हमें राजा के नाम एंड उनके इमेज देखने को मिलते हैं। एंड ये जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे ये बेसिकली इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा इशू करवाया गया था, जो कि 2nd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया करते थे। ना थर्ड इंपॉर्टेंट कॉइन है गोल्ड कॉइन। सो गोल्ड कॉइन जो है वो खुशाना रूलर्स के द्वारा इशू करवाया गया था लगभग 1st सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कॉइन है वो है रोमन कॉइन। सो आर्कियोलॉजिस्ट को साउथ इंडिया के कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट में रोमन कॉइन्स में मिले हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडर्स का रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था, तभी रोमन एम्पायर का जो कॉइन है वो हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है। ना जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉइन है वो है योद्यास कॉइन। सो हमें ये पता चला है कि कुछ कुछ जो कॉइन्स है वो इवन जो ट्राइबल रिपब्लिक्स होते थे उनके द्वारा भी इशू करवाया जाता था, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा में रहने वाले योद्यास। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान करीब 1000 ऑफ कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि योद्यास के द्वारा इशू करवाया गया था। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइबल पीपल थे उनका भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में इंटरेस्ट था, वो लोग भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे। एंड जो लास्ट कॉइन है वो है गुप्ता कॉइन। सो कुछ बहुत ही स्पेक्टिकुलर, कुछ बहुत ही शानदार गोल्डन कॉइन्स गुप्ता रूलर्स के द्वारा भी इशू करवाया गया। बट यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो सबसे पहला गोल्डन कॉइन था वो खुशानाज रूलर के द्वारा इशू करवाया गया था एंड जो बहुत ही स्पेक्टिकुलर, बहुत ही शानदार जो गोल्डन कॉइन्स थे वो गुप्ता रूलर के द्वारा इशू करवाया गया था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन एज वॉज डिसाइफर। सो अशोकन एज में, यानी कि अशोका के टाइम पीरियड के दौरान अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सो उसको किस तरीके से डिसाइफर किया गया। So the answer is, most of the script used to write modern Indian languages are derived from Brahmi script. So आज के time period के दौरान कई सारे modern Indian languages को लिखने के लिए जिस script का इस्तेमाल किया जाता है, जिस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, so वो Brahmi script से ही derive हुआ है। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए ज्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। सो लेट 18th सेंचुरी के बाद से जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडियन पंडित्स की हेल्प ली एंड उसके थ्रू उन्होंने आज के टाइम पीरियड में जो बंगाली एंड जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया एंड उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की, क्योंकि आज के टाइम पीरियड का जो देवनागरी स्क्रिप्ट है एंड जो बंगाली स्क्रिप्ट है सो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही ड्राइव होकर आया है। सो स्कॉलर्स ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझने के लिए आज के टाइम पीरियड के स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज किया, उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया। सो अर्ली इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने वाले जो स्कॉलर्स होते थे, सो उनको पहले ये लगता था कि जो अर्ली इंस्क्रिप्शन है सो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, बट फिर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता लगा कि अर्ली इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं बल्कि प्रकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था एंड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। सो कई सारे इपिग्राफर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया गया एंड फाइनली 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। सो इस तरीके से अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली इंस्क्रिप्शंस के लिमिटेशंस के बारे में बताना है। इंस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिमिटेशन होता है, क्या कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से इंस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने के लिए। सो पहला जो
लिमिटेशन है वो है टेक्निकल लिमिटेशन। सो कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिन सारे इंस्क्रिप्शन में जो लेटर्स है जो वर्ड्स है वो बहुत ही फेंटली इंग्रेव किए गए हैं, यानी कि बहुत ही हल्के हाथों से लिखे गए हैं, जिसकी वजह से हमें लेटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन डैमेज है या फिर लेटर्स मिसिंग है। सो इन सारी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इपिग्राफर्स को इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। नाउ सेकंड लिमिटेशन है डैमेज्ड और मिसिंग लेटर्स। सो सेम वही बात बता रखा है कि कुछ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिन सारे इंस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है वही डैमेज है या फिर जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो मिसिंग है। सो इसकी वजह से इपिग्राफिस्ट को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होता है इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में। नाउ थर्ड लिमिटेशन है लैक ऑफ क्लियरिटी, यानी कि कई बार इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद भी इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है सो उसका हमें क्लियर नॉलेज नहीं मिल पाता है, क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है। सो इंस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड्स लिखा गया है, जो भी लेटर्स लिखा गया है, सो उसको पढ़ने के बाद उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सो इसको फाइंड आउट करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इन सारे इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, जिस प्लेस में इन सारे इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, सो उसके अकॉर्डिंग उन सारे लेटर्स का मीनिंग होगा। सो एग्जैक्टली उन सारे लेटर्स का क्या मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना इपिग्राफिस्ट के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड कई बार स्कॉलर्स इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद भी एक दूसरे में डिबेट करते हैं कि आखिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इसका क्लियर मीनिंग क्या होगा। सो ये है थर्ड लिमिटेशन। ना जो फोर्थ लिमिटेशन है वो है अनडिसाइफर इंस्क्रिप्शन, यानी कि भले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर कर लिया है बट आज के टाइम पीरियड में भी कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिसको डिसाइफर नहीं किया गया है, जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, जिसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। सो इसकी वजह से कई सारे इंस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है सो वो सब कुछ हमें समझ में नहीं आता है। एंड इवन कई सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था सो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है बट हो सकता है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड जिसका हमें इवन रिमेनिंग्स भी नहीं मिला है। सो आज के टाइम पीरियड में हमारे पास जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक भाग है। हो सकता है कि कई सारे इंस्क्रिप्शन पहले ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एंड नाउ जो फिफ्थ लिमिटेशन है वो है नॉन रेलेवेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि जनरली इंस्क्रिप्शन राजाओं के प्रेज में ही कंपोज किया जाता था, यानी कि राजाओं की तारीफ में ही लिखा जाता था या फिर राजाओं के द्वारा जो पैट्रोनेज प्रोवाइड किया जाता था, जो दान दक्षिणा किया जाता था, सो वो सब कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। बट अगर हम लोग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो वो सब कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जैसे कि उस टाइम पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होता था, उस टाइम पीरियड के दौरान कॉमन पीपल के लिए जॉय क्या होता था, सॉरो क्या होता था, सो ये सब कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। सो आज के टाइम पीरियड में हमारे लिए जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है सो वो सब कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद भी हमें पहले के टाइम पीरियड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सो थस इट इज डिफिकल्ट फॉर द इपिग्राफिस्ट टू गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ सोसाइटी बाय रेलिंग ऑन इंस्क्रिप्शंस ओनली, यानी कि इपिग्राफिस्ट के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन को पढ़ के ही हमें पहले के सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। सो विद दिस हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 10 को प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे देन प्लीज इस रिक्वेस्ट कि आप दोबारा से वीडियो देखिए, तब आपको और भी अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। सो विद दिस हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।